फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल अन्नावा यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि फलों को खाना तो सब पसंद करते हैं, लेकिन फलों को खाने का बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीका, आयुर्वेद क्या कहता है, हमारे शरीर को कैसे फल और किस तरह से फल खाने पे बेनिफिट मिल सकता है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से बस पहले बस एक छोटी सी प्रार्थना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्थ ब्यूटी फूड रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मिलते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि फलों को खाना कैसे है। हम सोचते हैं कि फल को जब भी मानो, खासकर जब मीठा खाने का मनो तभी खा लो। कितने लोग क्या करते हैं ना कि खाना खाने के बाद इसे खा लेते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि यदि आप खाना खाने के बाद फल को खा लेंगे, सपोज कि आपने दो रोटी खाई है और फिर एक फल का टुकड़ा खा लिया, तो फल का टुकड़ा पेट से होकर सीधे आंतों में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन फल से पहले की ली गई जो रोटी होती है वो ऐसा करने से उसे रोक देती है। और यदि आप इस दौरान रोटी और फल दोनों का सेवन एक साथ करते हैं तो ये भोजन सड़ जाता है और अम्ल में बदल जाता है। इसके उलट यदि आप खाली पेट फल का सेवन करते हैं तो ये खाली पेट फल सीधे आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आपको वजन घटाने और जीवन के अन्य गतिविधियों के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो भोजन से पहले, कम से कम 2 घंटे पहले आप फल खाएं, और खाली पेट फल खाएं तभी आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं मैं खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तरबूज खाता हूँ तो मेरा पेट फूल जाता है, या मैं केला खाता हूँ तो अचानक से मुझे टॉयलेट की ओर जाना पड़ता है। दरअसल खाली पेट फल खाने से ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। फल जो है वो सब तरह के जो दूसरे खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ जब मिश्रित कर दिया जाता है तो गैस पैदा करता है, इसकी वजह से आपको आपका पेट फूला फूला दिखता है। लेकिन यदि आप खाली पेट फल खाते हैं तो सफ़ेद बाल, गंजापन, घबराहट और आंखों के नीचे काले घेरे, ये सब नहीं होते हैं। इस मामले पर शोध करने वाले डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन के अनुसार कुछ फल जैसे संतरा, नींबू अम्लीय होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सभी फल क्षारीय नहीं होते हैं। यदि आप फल खाने के सही तरीके में महारत हासिल कर दें तो आप लंबे समय तक सुंदर जवान बने रहेंगे और आपका वजन भी सामान्य बना रहेगा। जब आपको फलों का रस पीने की आवश्यकता हो तो ताज़ा फलों का रस ही पिएं, डिब्बे में पैक या बोतल में इसको नहीं लें, कभी भी जूस को गर्म करके ना लें। बहुत ज़्यादा पके हुए फल ना खाएं, क्योंकि क्या होता है ना, यदि आप फल को पका भी दें तो वो भी नुकसान देने लगते हैं। दूसरी बात, इन्हें अगर फ्लेम पे पका दें तो भी ये नुकसानदेह हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो विटामिंस होते हैं वो भी गर्मी से ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें इन्हें साबुत खाएं, इन्हें बिना गर्म किए खाएं और ताज़ा फलों का जूस ही पिएं। और जब भी आप जूस पिएं धीरे धीरे इन्हें पिएं, ताकि इनको निगलने में ज़्यादा से ज़्यादा लार आपकी बॉडी में जाए और आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो नेचुरली डिटॉक्सिफाई हो जाए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाए, जिसे लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, उसके लिए 3 दिन आप सिर्फ फल पर ही उपवास रख सकते हैं। इन 3 दिन में आपको सिर्फ फल खाने हैं, ताज़े फलों का जूस पीना है 3 दिन, और आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर से बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाएगी, चेहरा चमकने लगता है। इसके अलावा कुछ फल जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनमें है कीवी। ये छोटा होता है, शक्तिशाली होता है, इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई, फाइबर बहुत अच्छा होता है। इसमें संतरे से 2 गुना विटामिन सी होता है। इसके अलावा सेब, सेब को तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक सेब जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ये भी बहुत अच्छा फ्रूट है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं और शरीर को कैंसर और रक्त वाहिकाओं की रुकावट और मुक्त कणों से बचाता है। इसके अलावा संतरा, दिन में यदि 2 से 4 संतरे आप खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है, गुर्दे की पथरी को रोकता है और आंतों के कैंसर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा तरबूज, तरबूज में 92% पानी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। इसके अलावा अमरूद और पपीता, ये दोनों फ्रूट विटामिन सी से भरे होते हैं, कब्ज में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, खाना खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक पीना कैंसर को दावत देता है।
तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका यदि आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी भी आपको थैंक यू बोलेगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।